लर्निंग का क्या पेस है यू आर द वंस हु नो दैट बेटर तो आज का जो हमारा so, आप जानते हैं ना कि हम नंबर सीख रहे थे पहले हमने जीरो से लेके नाइन तक के नंबर सीखे फिर हमने टेन सीखा टेन के बाद हमने ये सीखा कि जब टेन के बाद हम वन मोर लेके आते हैं तो दैट मेक्स इलेवन तो आज हम बात रहे हैं कि टेन के सेट के साथ और ट्वेल्व के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं मुख्तु ऑब्जेक्ट्स के साथ और करते हैं बहुत सारी काउंटिंग तो स्किल्स दिए टीचर्स इनको चाहिए स्पीकिंग की रीडिंग की और इवेंचुअली राइटिंग की और हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उनका इस थ्री इयर्स की जर्नी यानी प्ले ग्रुप नर्स के जी के बाद दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड राइट करेक्ट न्यूमरल्स टू रिप्रेजेंट नंबर फ्राम जीरो टू फिफ्टी सो वी आर ग्रेजुअली बिल्डिंग अप ऑन आवर कॉन्सेप्ट टीचर्स जो कॉन्सेप्ट लर्निंग की जर्नी है वो थोड़ी सी स्लो होती है इट टेक्स टाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बट वंस दे आर ऑन द ट्रैक तो उनके लिए अगली लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है इसीलिए इनिशियल स्टेजेस पे और इनिशियल ग्रेड्स पे इस तमाम एफर्ट को जो है बहुत ज़्यादा इन्फोसाइज किया जाता है ग्लोबली और इंटरनेशनली स्कूलों में जो है इस चीज़ को बहुत इन्फोसाइज़ किया जाता है कि टीचर एक कॉन्सेप्ट को बेशक तीन या चार दिन पढ़ाए लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्क्रीट करे इसलिए हम रोज़ एक नया नंबर नहीं पढ़ते हम एक नंबर को दो से तीन दिन की एक्टिविटी में कंटिन्यू करते हैं तो प्यारे बच्चों ज़रा मेरे साथ जल्दी से नंबर्स को रिपीट कर लीजिए क्लास में किताब का, का काम टीचर आपको करवाएंगे मेरे साथ आप हमेशा की तरह कुछ रिविजन करेंगे ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए सो आर सम वी हैव ऑलरेडी सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन और टेन के बाद हमने सीखा था नंबर इलेवन किस किस को याद है शाबाश और इलेवन हम लिखते हैं हम दो नंबर वन देम टुगेदर, दैट मेक्स इलेवन इलेवन के बाद आता है नंबर ये वाला तो यही रहेगा लेकिन इसके बाद वाला जो सेकेंड नंबर है वो चेंज हो जाएगा टू में सो दिस इज योर नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व टीचर्स मेक श्योर आर प्रनाउंसिंग इट करेक्टली चलिए आइए कुछ तस्वीर देख लेते हैं आई ऑफ सेन एप्पल्स And when I add two more apples to my set, now I have twelve apples. Now, teachers send them to the library corner. Now, we are going to talk about the recognition of the number. So, you can see that there are flashcards and in flashcards, can switch or wiggle and put them in case number 12 ka flashcard kaun sa hai And that will help them to understand and recognize, recognize the number 12, how it is written. So, please pause this video and get the flashcards. फ्लैश काज की एक्टिविटी के बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जिन बच्चों ने सही नंबर बताया कि ये ट्वेल्व ऐसे लिखा जाता है क्या उनको बोर्ड पे भी लिखना आता है या नहीं आता वन भी आपको लिखना आता है टू भी आपको लिखना आता है लेकिन जब वन और टू इकट्ठे आ जाते हैं तो वो बन जाता है नंबर ट्वेल्व सो टीचर्स आपने बच्चों को हेल्प करनी है किताब में कि जो उनको तस्वीर दे गई है उसमें से टेन को काउंट करके एक बंडल बना लें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको आइडेंटिफाई करें विच इज़ हेयर राइट हेयर इन द बुक सो टीचर्स आपने किताब में जो एक्टिविटी है वो उनको वैसे ही एग्जीक्यूट करवानी है एज पर इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद आपने बच्चों को भेजना है मैथ कॉर्नर में कि वो कोई से भी ट्वेल्व सिमिलर आइटम्स बना के या अगर आप उनको प्लेडो देना चाह रही हैं तो वो प्लेडो की मदद से पहले टेन बॉल्स बना लें और उसके बाद सेपरेट टू बॉल्स बना के आपको दिखाएं कि दिस इज माय सेट Of 12 objects. They can use blocks, they can use pencils, they can use erasers, but they have to explain you the concept of 12 using different objects. So, now there is an activity for the playground also, if you are giving them Play Doh. लाइक नंबर ट्वेल्व को आज उन्होंने रिकोग्नाइज करना है खूब अच्छे तरीके से और जब इसका कोई पोस्टर क्लासरूम में लगा होगा तो वो आपको जल्दी से देख के बता देंगे कि नंबर ट्वेल्व कहाँ आता है हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कह रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट आज की तमाम हमारी एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन के लिए है और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट तो मीडियम्स पे उनको लिख के भी नंबर बताते हैं और उनको काउंट करके भी ऑब्जेक्ट्स बताते हैं इसलिए आपको जो वर्कशीट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर गोइंग टू आइडेंटिफाई and then they're going to circle and color the number 12 in the given numbers here make sure dear teachers students are practicing and recognize the number 12 Today's ka task is hai ki unhone 12 objects ki se explain karna hai apne sadhe alfaz these are 12 sets so continue with the activities and make sure you learn it take care and Allah hafiz